देखते हैं आगे अपने सामने किस तरह के सवाल हैं। एक सवाल है हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बारे में, और अनिल विशन जी ने पूछा है बीकानेर से, और इनके पास हैं 10 शेयर 585 के भाव पे। पूछ रहे हैं कि क्या इसमें और ज़्यादा ऐड करना चाहिए, और अगर और ऐड करना है तो किन लेवल्स पे करें, किन स्तरों पर करें। एक साल के आसपास का नज़रिया है, एक साल रखना चाहते हैं। हिंडाल्को भी देखिए पूरे मेटल सेक्टर में होप बन रहा है चाइना रीओपनिंग को लेकर, ओके, तो उस हिसाब से आपका हिंडाल्को में भी पॉजिटिव ट्रेड दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हिंडाल्को में बेनिफिट में पॉजिटिव ट्रेड नहीं दिख रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है हिंडाल्को की, इसको लेटेस्ट जो लो है ये होल्ड करना होगा, मतलब 425 के आसपास का जो लो है उस लो को होल्ड करना होगा। अगर 425 के लो को होल्ड करता है तो ये ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ओवरऑल पैरामीटर्स पे आप पूछेंगे तो इसमें पॉजिटिव है, रिजल्ट से अगर बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं आ रहा है, अगर रिजल्ट से बहुत डिसअपॉइंटमेंट नहीं आएगा तो फिर इसमें रिकवरी आने के चांसेस हैं, जरूर हैं। लेकिन आपने कहीं ना कहीं रिस्क कंटेन करना है, तो रिस्क कहाँ कंटेन करना है, फिलहाल तो मुझे 425 ही दिख रहा है। आप उसको 2-4-5 रुपये ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट वहां के बाद तो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि फिर अगर उसके बाद सेलिंग आ गई तो फिर ये 380 वाला जो लो है वो रीटेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 420-425 के रेंज में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको राइट करना चाहिए, बिकॉज पैरामीटर्स पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है इसमें अभी तक। जी, तो यहाँ पे खास करके जो इसके अंदर आप कह रहे हैं कि जून का बॉटम बना है, उसके बाद से क्या इसका स्ट्रक्चर सुधरता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव बनता हुआ दिख रहा है, और क्या इसके अंदर एक राइजिंग वेज भी हम देख सकते हैं? अगर मैं इस राइजिंग वेज को देखना चाहूँ तो मैं ऊपर की और नीचे की जो ट्रेंड लाइंस हैं उनको अगर मिलाऊँ तो क्या ये पैटर्न आपको कुछ संकेत देता है, नए क्या वो बेहतर चाल बनेगी उसमें? डाउन जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं है, लेकिन जो राइजिंग ट्रेंड लाइन है रेसिस्टेंस वाला वो वैलिड है। तो अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, मतलब ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मतलब जब चाल बनती है तो फिर कैसी बनती है वो हम इन सबको मालूम है, तो क्या उस तरह की एक आशा कर सकते हैं? और अगर उस आशा में ये और ज्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि ये और नई खरीदारी के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या इन स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए या एक बार कहीं 50-day मूविंग एवरेज के आसपास मिले तब खरीदना चाहिए, या इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को जो ऊपर वाली है वो पार हो जाए, नया ब्रेकआउट कंफर्म हो जाए तब खरीदना चाहिए? बेहतर लेवल क्या रहेगा खरीदारी करने का? देखिए करंट सपोर्ट 460 का है, अगर 460 के नीचे क्लोज हुआ, आज का क्लोज बहुत अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी अगर 460 के नीचे क्लोज हुआ तो 445 के आसपास तो एक बार ही दिख जाना चाहिए। तो अब उस पर डिपेंड करता है कि इनको कहाँ खरीदना है, अगर इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ तो फिर ब्रेकआउट की तरफ बढ़ेगा। तो डिपेंड करता है कि अगले 2-3 दिन में एक ऐसा बिहेवियर देता है। 460 के नीचे क्लोज में तो आपको 15 रुपीज़ का बेनिफिट तो मिल सकता है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए। जी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि सपोर्ट के पास खरीदें या नया ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद खरीदें? मेरे हिसाब से जब ओवरऑल पैरामीटर सब अच्छे हैं तो मैं अगर प्रेफर करता हूं तो बॉटम फिशिंग प्रेफर करता हूं, क्योंकि ब्रेकआउट का दूसरा ट्रेड बनता है। अभी पैरामीटर्स ठीक है तो उस केस में कहीं ना कहीं आपको मार्केट ओरिएंटेड चीजें देखनी है। अगर मार्केट करेक्शन में जाएगा तो फिर ये भी स्टॉक करेक्शन में जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उस केस में 420 टूट जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 420 जब तक ठीक है रहता है तब तक इसको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके नीचे दिक्कत है। अब रही बात की आपने ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो फिर आपको वेट करना चाहिए 500 का, अगर ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो। अदरवाइज पैरामीटर्स में कोई दिक्कत नहीं है, हर ट्रेड में एक रिस्क होता है, इस पे 420 के पास का रिस्क है।